हेलो दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेकी हेल्प टिप्स। तो मैं आज आपको इसमें कुछ व्हाट्सएप की ट्रिक बताने वाला हूं, वो ट्रिक जो आपको नहीं मालूम है। और ये काफ़ी सिंपल ट्रिक्स हैं लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते, जिसकी वजह से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आपको वो सारी ट्रिक के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आप फिंगरप्रिंट्स लगाना, तो फिंगरप्रिंट्स किस तरीके से आप व्हाट्सएप में ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप जब ग्रुप में चैट करें या फिर ग्रुप में जो भी चैट आप करते हैं, अगर आपको कोई नए ग्रुप में ऐड करना चाहता है या फिर वो ऐड करता है, तो आपके पास पहले परमिशन आए, विदाउट आपके परमिशन वो आपको ऐड ना कर पाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो चैट है, वो चैट आप किसी को सेंड करना चाहते हैं कंप्लीट चैट, तो कैसे आप सेंड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप अपने स्टेटस को कहीं और शेयर करना चाहते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टा या एनी अदर प्लेटफॉर्म पे, तो आप कैसे सेंड करेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले आते हैं हम व्हाट्सएप पे और मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपना फिंगरप्रिंट्स व्हाट्सएप पे ऑन कर सकते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है, आपको आना होता है थ्री डॉट पे। जैसे आप थ्री डॉट पे आते हैं, आपको सेटिंग का ऑप्शन, देन आपको दिखता है अकाउंट का ऑप्शन, अकाउंट। जैसे ही आप अकाउंट पे आते हैं, आपको दिखता है प्राइवेसी का ऑप्शन, क्लिक द प्राइवेसी। आप जैसे ही प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, आप लिस्ट बॉटम पे जाएंगे, आप देखेंगे, आपको देखेंगे ऑप्शन फिंगरप्रिंट्स लॉक का। ये फिंगरप्रिंट्स लॉक ऑप्शन जो अवेलेबल है यहाँ पे, शायद हो सकता है आप अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हो और आपके मोबाइल फ़ोन पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको बीटा वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। बीटा वर्जन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन आपको व्हाट्सएप बीटा वर्जन में अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि बीटा वर्जन होता क्या है, तो आप मेरी बीटा वर्जन की वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि बीटा वर्जन है क्या। तो जी हाँ, जैसे आप इसको ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछेगा कन्फर्म योर फिंगरप्रिंट्स। आप अगर टच करके ये फिंगरप्रिंट्स मैंने दिया और ये कन्फर्म हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जब भी आप व्हाट्सएप को ऑन करेंगे, तो आपसे हमेशा ये फिंगरप्रिंट्स पूछेगा। और आप ये देख सकते हैं कि आफ्टर लॉक के बाद ये पूछ रहा है आपसे कि आप ऑटोमेटिकली लॉक चाहते हैं या इमीडिएटली चाहते हैं या वन मिनट में चाहते हैं, किस तरीके से आप चाहते हैं। और अगर चाहते हैं आप ऑफ करना, तो ऑफ कर सकते हैं। तो ये रही पहली ट्रिक्स कि फिंगरप्रिंट्स किस तरीके से व्हाट्सएप के अंदर आप ऑन कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं सेकेंड ट्रिक पे। सेकेंड ट्रिक मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कोई भी पर्सन आपको विदाउट योर परमिशंस आपको ऐड ना कर पाए ग्रुप में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। नाउ आना है आपको सेटिंग पे। जैसे आप सेटिंग पे आते हैं, आपको देखते हैं आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंट का, अकाउंट पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्लिक करना है आपको प्राइवेसी पे। जब आप प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं, आप देखते हैं आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलता है ग्रुप का, और जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट एवरीवन, क्लिक ऑन दिस वन। आप देखते हैं यहाँ पे आपको थ्री ऑप्शंस मेंशन है, जहाँ पे एक है एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट, नोबडी। इफ यू वांट, एनीबडी कैनॉट ऐड इन एनी ग्रुप, सो ओनली क्लिक, ओनली सिलेक्ट नोबडी। और आप जैसे ही ओके कर देंगे, उसके बाद कोई भी आपको विदाउट यू परमिशन ऐड नहीं कर पाएगा, जब तक कि आपको वो परमिशन के लिए रिक्वेस्ट ना करें। तो ये है दूसरा ऑप्शन। अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शन पे कि आप किस तरीके से अपने स्टेटस को शेयर कर सकते हैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, लाइक फेसबुक, इंस्टा और अदर प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे आपको एक स्टेटस दिख रहा है। अब स्टेटस पे अगर आपको मुझे इस स्टेटस को शेयर करना है, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे क्लिक करना है यहाँ पे थ्री डॉट पे। जैसे मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो ऑप्शन आ रहा है कि शेयर टू फेसबुक, मीन्स डायरेक्टली आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं विदाउट कुछ भी किए हुए। और दूसरा ऑप्शन आता है शेयर, कि आप अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं जितने भी अदर एप्लीकेशन हैं, मेरे ऐप हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे ओपन होंगे। आप किस प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर करना है, उसको सिलेक्ट करें और शेयर करते हैं। तो ये है ऑप्शन कि आप किस तरीके से अपने स्टेटस को शेयर कर सकते हैं अदर प्लेटफॉर्म पे और इंस्टा पे या फेसबुक पे। अब आते हैं हम अपने चौथे ट्रिक पे। चौथे ट्रिक में ये है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी से बात करता हूँ और उसकी चैट की इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, और किसी भी रीज़न से समहाउ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, समहाउ कुछ किसी को मुझे फॉरवर्ड करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को बताना है और काफ़ी लंबी है चीज़ें हैं, तो मैं उसकी कंप्लीट चैट को किसी को भेजना चाहता हूँ। तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, उसकी प्रोफाइल को ओपन करना है, मीन्स उसके चैट को ओपन करना है। एंड नाउ थ्री डॉट पे जाना है।
उसके बाद क्लिक करना है मोर पे ऑप्शन पे। जैसे आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं ऑप्शन आपको मिलता है एक्सपोर्ट चैट का। जैसे आप एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करते हैं, आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, इंक्लूडेड मीडिया एंड विदाउट मीडिया। तो मुझे चैट करना है, मीडिया मुझे नहीं चाहिए, मैं विदाउट मीडिया पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं विदाउट मीडिया पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये चैट सारी की सारी एक्सपोर्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। नाउ जैसे एक्सपोर्ट हुई, अब ये मुझसे पूछती है कि कहाँ मुझे इसको शेयर करना है। मान लीजिए मैं आ गया व्हाट्सएप पे, अब किसको शेयर करना है, जिसको शेयर करना है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और उसको शेयर कर दूंगा। जैसे मैंने सेम उसी पर्सन को शेयर कर दिया है चैट, आप देख सकते हैं कि वो सारी चैट जो मैंने अरुण से किया था, वो सारी की सारी चैट सेम एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया किसको, अरुण को ही। तो इस तरीके से आप किसी के चैट को अगर एक्सपोर्ट करके किसी को भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। स्टेप यह है कुछ ट्रिक्स व्हाट्सएप के अंदर, आप किस तरीके से इसका यूज करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं।